सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडी में। आज हम डिस्कस करने वाले धनी सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 5 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में टॉप बॉटम बना, डबल टॉप बॉटम लगा 48 रुपीज 70 पैसे। 48 रुपीज 70 पैसे के इस स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम लगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आया, जहां पर स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा 35 रुपीज 70 पैसे। 35 रुपीज 70 पैसे के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इस स्टॉक का जो नीचे के एक इम्पोर्टेंट फ्रेश सपोर्ट लेवल है वो 38 रुपीज 50 पैसे पर। अगर ये स्टॉक 38 रुपीज 50 पैसे का स्टॉक ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है नीचे का वो 35 रुपीज पर है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 38 रुपीज 50 पैसे की एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 48 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और ये स्टॉक पर एक और चीज ध्यान देने लायक है, जो कि ये स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहेगा, जहां पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है शॉर्ट टर्म में 42 रुपीज। 42 रुपीज इस स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म में एक रुकावट रेंज है। स्टॉक उस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहेगा। अगर ये स्टॉक 42 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देने में तैयार होता है तो इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर एक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।